بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा चीज से आजमाता है, अल्लाह तुम्हें बेबस करके अपने करीब ले आता है, अल्लाह तुम्हें दुनिया से मायूस करके अपने ऊपर तवक्कल करना सिखाता है, अल्लाह तुम्हें लोगों के हाथों तोड़कर खुद से जुड़वाता है, हालात से मजबूर होकर तुम्हें सजदों तक ले आता है, अल्लाह बेहतर को तुमसे दूर करके बेहतरीन से मिलवाता है, अल्लाह आजमाइश से गुजार कर तुम्हें मौजज़ों तक लाता है। ज़िंदगी में कभी आपके इंतहाई अजीज़ और करीबी लोग भी आपसे दगा करें, आपके खिलाफ हो जाएं, तब भी आप सब्र से काम लें और अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा रखें, तो अल्लाह ताला आपको वो मकाम अता करेगा कि ज़माना देखता रह जाएगा, अंधेर नगरी में रोशनी और नूर के दरवाज़े आप पर खोल दिए जाएंगे। ज़िंदगी ने दो चीज़ें तो ज़रूर सिखा दीं, एक खुद में खुश रहना और दूसरी अपने खुदा के अलावा किसी पर उम्मीद ना रखना। सफ़र का मज़ा लेना हो तो साथ में सामान कम रखें, ज़िंदगी का मज़ा लेना हो तो दिल के अरमान कम रखें। मिट्टी की पकड़ तो बहुत मज़बूत होती है, संगे मरमर पर तो पाँव भी फिसला करते हैं, जिनके पास सिक्के थे वो मज़े से बारिश में भीगते रहे, जिनके पास नोट थे वो छत तलाश करते रहे। पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसे को कभी ऊपर लेकर नहीं जा सकता। खुद को ऐसे लोगों से दूर रखें जो आपसे झूठ बोलते हों, आपकी इज्जत ना करते हों, आपको इस्तेमाल करते हों, आपकी हौसला शिकनी करते हों, आपको नीचा साबित करना चाहते हों। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, सच तो ये है कि इंसान ही इंसान की दवा है। अगर कोई दुख देता है तो कोई सुकून की वजह बन जाता है, कोई नफ़रत करता है तो कोई मोहब्बत देकर हिसाब बराबर कर देता है, कोई रुलाता है तो कोई मुस्कराने की वजह बन जाता है, कोई धक्का देकर गिराता है तो कोई इंतहाई मोहब्बत से सहारा बन जाता है। मैंने सीखा है कि रब के आगे झुकने से, अपनी गलतियां तस्लीम करने से, अल्लाह के आगे हार जाने से, खुद को उसके सुपर्द कर देने से, वो रब आपका बन जाता है, फिर सारी उलझनें सुलझ जाती हैं, मोहब्बतें झोलियों में भर जाया करती हैं। वो जो हमें ठुकराते थे ना, वो जिनके पीछे हम भागते थे, रब उठा उठा कर उनको हमारे सामने ला खड़ा करता है, लेकिन हम उस वक्त उन सब को पीछे छोड़कर मार्फत का वो सफ़र तय कर चुके होते हैं जिसके आगे कोई चाह नहीं रहती, क्योंकि हमारा ताल्लुक अपने रब से जुड़ चुका होता है, उसकी रज़ा में राज़ी रहना सीख चुके होते हैं। रब तो मिलता ही है, फिर सब मिल जाता है। एतबार ज़रूर करें दूसरों पर, लेकिन किसी को मौका ना दें कि वो आपको अंधा ही समझने लगे। हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। मुझे गिरते हुए पत्तों ने सिखाया है कि बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देंगे।